अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने कई बार बनाया है, ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं, चटपटा टाइप का भिंडी। तो सबसे पहले भिंडी को मैंने धो लिया है, अच्छे से धो करके इसका पानी सूख गया है। तो इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा में इस तरह से कट कर लूँगी, 1-1 इंच का टुकड़ा में। तो आप चाहे तो जैसे भी काट सकते हैं, थोड़ा मोटा पतला, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। छोटा भिंडी है तो मैंने उसका 2 टुकड़ा किया है, और बड़ा भिंडी है तो उसका मैंने 3-4 टुकड़ा किया है। तो यहाँ पर एक बड़ा साइज का ऑनियन लिया है मैंने, उसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। वैसे भिंडी जैसे भी बनाओ ना, बहुत ही अच्छा होता है, सिंपल तरीके से भी बनाने से भी बहुत ही अच्छा लगता है भिंडी का भाजी भाजी सब्जी। तो अनियन मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा टमाटर है, एक और एक छोटा सा है, तो 1.5 टमाटर है, तो उसको मैं कट कर लूँगी छोटा छोटा टुकड़ा में, जैसे मैंने अनियन कट किया उसी तरह से चॉप्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है कि रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ अजवाइन लिया है मैंने छोटा 1 चम्मच, और थोड़ा सा हींग, और थोड़ा गार्लिक। तो गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो मैंने अनियन डाल दिया है और भिंडी डाल दिया। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को एक ही साथ में फ्राई करूँगी। तो इसको अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ही अच्छे से, ताकि जब ना प्याज में और भिंडी में हल्का हल्का सा जब गोल्डन कलर आने लगे, तब तक इसको फ्राई करना है। तो मैंने इसको चलाते हुए हाई फ्लेम में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए प्याज में भी हल्का सा कलर आ गया है, लाल नहीं करना है, और भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें डाल देती हूँ कुछ बेसिक मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर जीरा, धनिया और लाल मिर्च, और जो है कि काली मिर्च जो है मैंने पाउडर बना रखा था रोस्ट करके, तो वो मैंने डाल दिया 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं सब चीज़ को। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। तो यहाँ मैंने जो है कि लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से थोड़ा सा जगह बना करके ना, तो मैं टमाटर डाल दूँगी बीच में। तो टमाटर को मैंने बीच में रख दिया है। अब इसको ढक्कन लगा करके तो मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पे इसको छोड़ दिया था, तो ये टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब इसको अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं, भून लेंगे। तो ये देख के भी इतना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा टाइप का होता है। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर या लेमन जूस डाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना, ये डाल दूँगी चाट मसाला। चाट मसाला का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं।
आई होप कि आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये सूखा सूखा भिंडी जो है ना, दाल चावल के साथ खाइए चाहे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो ये देखिए चटपटा भिंडी बन के तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।